हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। जब से रोहित शर्मा कप्तानी संभाले हैं तब से वो हमारे टीम इंडिया को, इंडियन क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों में ले जाने की प्रयास कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली उनका जो एफर्ट है वो हम सबको दिख रहा है और साथ ही वो अपने ऊपर भी काफी काम कर रहे हैं, काफी उनका जो प्रयास है वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो ODI हो, T20 हो। ODI में 3 दोहरा शतक मारने का तो वो रिकॉर्ड उन्होंने तय कर लिया और अब इंडिया वर्सेस श्रीलंका के T20 मैचेस में भी उन्होंने ये सोच लिया है कि हर मैच के साथ वो एक नया रिकॉर्ड तय करेंगे। जैसा कि पहले मैच में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने, वहीं दूसरे मैच में भी उन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया। वो जिस हिसाब से फील्ड में काफी फुर्तीले दिखते हैं, काफी अच्छे फॉर्म में दिखते हैं और ये बात उन्होंने साबित कर लिया दिनेश चांदीमल का कैच लपक कर। देखिए बुमराह जब गेंदबाजी किए, दिनेश चांदीमल का जब शॉट लगा और रोहित शर्मा ने वो कैच लपका, इसके साथ वो 50 कैचेस का T20 में 50 कैचेस का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बना लिया। जी हाँ, रोहित शर्मा पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 50 कैचेस लपके। वहीं अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर हमारे रन मशीन विराट कोहली का नाम आता है जिन्होंने 43 कैचेस लपके हैं और तीसरे नंबर पर है चिन्ना थाला मिस्टर IPL सुरेश रैना जिनके हाथ 42 कैचेस लगे। अब देखिए पहले नंबर पर आ गए रोहित शर्मा 50 कैचेस के साथ और इसके साथ वो एक नया रिकॉर्ड बना लिए दूसरे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के T20 मैच में। ये है अभी की सबसे बड़ी अपडेट रोहित शर्मा को लेकर। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और प्लीज अगर वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, याद से बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। Thank you.